तो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम अम्ब्रेला पॉम के प्रोपोगेशन के बारे में बताएंगे कि इसका पौधा फिर से कैसे तैयार करें। पिछले वीडियो में हमने बताया था अम्ब्रेला पॉम के केयर के बारे में। हमने बताया था कि ये पूरी तरह से इंडोर और आउटडोर दोनों रख सकते हैं। आप अगर आउटडोर रखें तो धूप में, अगर रखना है तो ये पानी में डुबा के रखें, और अगर इंडोर लगाना है तो पॉट में लगा के नॉर्मल पॉट में रखें, पानी में न रखें। तो दोस्तों, फिर से इसका अलग से पौधा बनाने के लिए हम इसका एक ये वाला पत्ती काट लेंगे। काटने के बाद इसको साइज छोटा कर दें, और दोस्तों यहाँ से और कटिंग हम कर देंगे इसको। तो दोस्तों, कटिंग करने के बाद आप इसको उल्टा करके या सीधा करके, दोनों जैसा भी रखना है ऐसा रख सकते हैं। उसके बाद 10-15 दिन में आप देखेंगे कि यहाँ से रूट निकल जाएगा और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, हमने इसको इंडोर रखा हुआ है, छोटे से गमले में लगा रखा है। ये जो प्लांट लगा है दोस्तों, अभी हमने जो बताया उसी तरीके से इसको हमने तैयार किया था। दोस्तों, आप बहुत ही आसान तरीके से अम्ब्रेला पॉम को का प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करने से हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आप इस चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।